जब मोदी जी आए सबसे पहला सवाल सदन और विपक्ष के एक नेता या विधायक फर्स्ट बार राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी के धरती पर जब उन्होंने जुमलेबाजी शुरू की थी तो पहला जुमला था 1,25,00,000, एक रुपया नहीं दिया। दूसरा जुमला था विशेष राज विशेष पैकेज, नहीं दिया। तीसरा जुमला था मोतिहारी के धरती पर चीनी मिल नहीं, उसकी जमीन जमीन माफिया बेच दी, खत्म हो गया। तीसरा जुमला था बाढ़ में फरक्का बांध ओवरब्रिज को खत्म किया जाएगा क्योंकि 70% गाद जम चुके हैं, बिहार नाश हो जाएगा, एक रुपया नहीं दिया। चौथा जुमला था जमालपुर रेलवे फैक्ट्री को यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, एक बार चर्चा नहीं हुई। मिथिला कोसी सीमांचल से बाढ़ की मुक्ति के लिए नीतीश के साथ हवाई सर्वेक्षण किए थे और मात्र 500 करोड़ की घोषणा की, एक रुपया नहीं दिया। मगध में पानी लाने के लिए इन्होंने घोषणा की, मगध बर्बाद हो गया, एक रुपया नहीं दिया। पलायन रोकने के लिए भाजपा का पहला मुद्दा था, 1,25,00,000 से ज्यादा पलायन हो गए, एक रुपया नहीं दिया। और मोदी जी जिस दिन आए एक भी विधायक विशेष राज विशेष पैकेज और बिहार के एजुकेशन और हेल्थ के लिए पैकेज, अग्निवीर और अग्निपथ, कोरोना में जो लोग मरे उसको रुपया नहीं मिली, उस पर आरबीआई पर और बेरोजगारी पर कोई चर्चा, जो हाई तोबा मचाए थे चुनाव में, उन्होंने एक बार भी बेरोजगारी पर अग्निवीर पर अग्निपथ पर जो नैतिक समर्थन दे रहे थे, जो जदयू अग्निवीर का विरोध किया, उन्होंने भी एक बार बात नहीं की। और प्रधानमंत्री जी बिहार को ठेंगा दिखा के बिहारियों को चला गया, यह चर्चा का विषय नहीं है। डॉलर का 80.5 चर्चा का विषय नहीं है। सबसे बड़ा आतंकवादी भाजपा सपोर्ट करती है, यह चर्चा का विषय नहीं है। चुनाव लड़ने के बाद एक भी जिसको यह भाजपा आतंकवादी बनाती है जेल में नहीं होता है, चुनाव यह विषय नहीं है। पलायन, कोसी सीमांचल के बाहर फरक्का बांध को तोड़ो, मगध की पानी, अग्निवीर और अग्निपथ की आजादी, जो भाजपा के डिप्टी सीएम का फोन नहीं उठा, डीएम भाग जाए, बुलडोजर चढ़ा दे, 30 सालों से जो नगर निगम भाजपा 6 एमएलए, एक भी भाजपा के मंत्री और संजय जायसवाल का फोन थानेदार ना उठाता हो, हाजीपुर आतंक का माहौल बन जाए, अपराधी नेता और पदाधिकारी का नेक्सस आतंकवादियों से बड़ा, उस पर चर्चा नहीं। जहां गृह मंत्री भी हैं, पारस जी भी हैं, विपक्ष के नेता भी जहां से चुनाव जीत के आते हैं हाजीपुर, वह आतंक और अपराध के साये में जी रहा हो, बच्ची सुरक्षित नहीं है, उस पर चर्चा नहीं। राजीव नगर नेपाली नगर पे चर्चा नहीं। कोरोना में मरे हुए मृतक को मुआवजा नहीं मिली, उस पर चर्चा नहीं। नाथूराम गोडसे से शुरू हुई भाजपा की यात्रा, थोड़ा सा पीछे भाजपा का आतंकवादी से यह रिश्ता, असम का निरंजन हो जाई, तारिक अहमद मीर, रियाज अटारी, ध्रुव सक्सेना, तालिब हुसैन शाह, देवेंद्र सिंह, इन सब से भाजपा की क्यों हुई यारी? निरंजन हो जाई भाजपा का असम में नेता है आज,
उस पर उल्फा आतंकवादियों को मदद देने के लिए 1,000 करोड़ सरकारी धन का उन्होंने घोटाला किया। पहला संतान था इस देश का अब्दुल हमीद अंसारी का खानदान, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ शहीद हुए थे और वहां के सेना अध्यक्ष नहीं बन करके भारत का सैनिक बना। ये सवाल मेरा है और इस सवाल पर देश को सोचना चाहिए कि आतंकवाद को सजा भारत में हुई, कसाब और अफजल गुरु को फांसी दी, यदि वो जिंदा होता तो वो भाजपा ही होता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।